हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल? आई होप अच्छे ही होंगे। तो भाई, सुबह वाले एपिसोड में आपको याद दिला देता हूँ क्या क्या हुआ था। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया तो जाकर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई है। फाइनली हमने जनरल का दी एंड कर दिया, लॉस एंडस का वो ही जनरल जो बहुत ज़्यादा मतलब उछल रहा था। बट फिलहाल भाई, जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, जंग अभी शुरुआत हुई है। क्योंकि बंदे हो गए पागल, क्योंकि मैंने नो गोड का एक तरीके से बदनाम कर दिया पूरे लॉस एंडस में, और वो अभी इलेक्शन में शायद से हिस्सा नहीं ले सकते। और मेरा प्लान वर्क किया अमेजिंग तरीके से, उनका ही प्लान मैंने उनके ऊपर ही यूज़ कर दिया। बहुत मजा आएगा आपको सुबह जो आप अगर देखा होगा तो, क्योंकि उसी के साथ ये कंटिन्यू है। क्योंकि भाई लास्ट एपिसोड में गॉड फादर को कर लिया किडनैप, ट्रेवर के जो सगे फूफा है उनको किडनैप कर लिया गया है। अब देखना यह है कि बंदे कितने पिटने वाले हैं, क्योंकि वैसे उन्होंने एक बात बताऊँ, कोई आम बंदे को नहीं उठाया। वो तो समझते गॉड फादर ऐसे ही है, उनको पता नहीं है 1990 के ज़माने का सबसे बड़ा बदमाश रह चुका है गॉड फादर। हाँ, आजकल बंदा सुधर गया है थोड़ा, कम भाई उल्टे सीधे काम करता है, अपना ज्यादा टाइम अपनी वाइफ के साथ ही स्पेंड करता है, शरीफ बनना चाह रहा है। बट यही बंदे गलत फहमी सोच रहे हैं कि गॉड फादर कुछ कर नहीं सकता। यही तो गलत फहमी बंदे कर रहे हैं भाई। अगर गॉड फादर अपनी पे आ गया ना, तो सबको घर में घुस करके मारेगा। बहुत खतरनाक बंदा है वो। मैं फटाफट से भाई लेस्टर की फैक्ट्री पर जा रहा हूँ, पहले उससे पता करूंगा, फिर अपने हैकर से पता करूंगा, सबसे पता करूंगा ए टू जेड। मैंने ऑलरेडी मिसेज विल्सन से बात तो कर ली, मैंने उनको समझा दिया आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। भाई आपको बताया, ट्रेवर की मिसेज विल्सन मोम है, ठगी नहीं है, मानता हूँ फूफी है, बट फिलहाल भाई मैं उनको मॉम ही मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पाला है। सबसे पहले वही दुनिया में ऐसी लेडी थी जिन्होंने मेरे को अडॉप्ट करा था आकर के। बहुत पुरानी कहानी है भाई आपको बताइए ट्रेवर की, और बहुत उलझी हुई है, और मतलब कमाल की फैमिली है इनकी। ये फिलिप्स फैमिली कुछ भी कर सकती है। फटाफट से अपने चाचाओं को फोन लगाता हूँ, मॉर्फियस को, मिस्टर फिलिप्स को, कि गॉड फादर को किसी ने किडनैप कर लिया है, हमारी फैमिली का बंदा है, पागल हो कर देंगे भाई मेरे चाचा को, आप हल्के बदले लेना। दोनों चाचा बड़े भयंकर है आपको बताइए, मॉर्फियस और वो दोनों। पहुंच चुका हूं मैं लेस्टर की फैक्ट्री पे। लेस्टर मेरे प्यारे प्यारे भाई, आ गया तेरा प्यारा ड्राइवर, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे, नहीं तो घुसा बजेगा तेरे भाई। इतना तो गुस्सा जब मतलब ड्राइवर पैसे के चोरी होने पर भी नहीं होता, जितना गॉड फादर किडनैप होने पर हो रहा है भाई। सीधी सी बात है यार, ऐसे कैसे कोई भी मुंह उठा करके आ जाएगा और चाचा को मतलब अपने फूफा को उठा लेगा। भाई लेस्टर, पैसे मैंने एक बार को तेरे को इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डाला पैसे के लिए। गॉड फादर अगर मेरे को नहीं मिला ना भाई, देख आज की डेट में तो बहुत बुरा होगा तेरे लिए भी, उन बंदों के लिए भी जिन्होंने सारा काम किया है। कहाँ पर है? क्योंकि मिसेज विल्सन परेशान है और मैं उनको परेशान होते हुए देख नहीं सकता। जल्दी बोल, मैंने इससे बात करी, बोल रहा है ट्रेवर सिर्फ मेरे को आधा घंटा दे दे मेरे भाई, मैं चेक करता हूँ, टेंशन मत ले, उसकी लास्ट लोकेशन हर एक चीज़ पता करता हूँ। मैंने बोला आधा घंटा के, तो एक घंटा ले ले, बट भाई मेरे को लोकेशन चाहिए एकदम करेक्ट। ट्रेवर पागल हो गया, लेस्टर की थकी हुई गाड़ी नहीं चलानी मेरे भाई, बाहर निकल यार, कमाल करता है तू भी, अपनी प्यारी सी गाड़ी है बैठ। तो चलिए भाई इसको लेकर के निकलता हूँ, गार्ड्स की कोई जरूरत नहीं है, मैंने भाई भी गार्ड्स नहीं रखूंगा अपने साथ में। मैंने वो जो गार्ड्स मेरे साथ रहते थे मैंने उनको भेज दिया मिसेज विल्सन घर पर उनकी सिक्योरिटी करने के लिए, क्योंकि उनके सारे सारे गार्ड्स मर चुके हैं, मैं उनको रिस्क नहीं दे सकता भाई बिल्कुल भी। चलिए वेट करते हैं, वेट करने के अलावा कुछ और कर नहीं सकते। ट्रेवर गॉड फादर को अगर जिंदा देखना चाहता है तो एक छोटा सा काम बस हमारे लिए कर, चुपचाप फटाफट से पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक में जा, वहां पर लॉकर नंबर 506 में जितना भी सामान है सारे सारे लेकर के आ जा, जहां पर हम तो बताएंगे उसको वहां पर छोड़ दे और अपने प्यारे गॉड फादर को ले जा। अगर ऐसा कर दिया तो बच जाएगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। फिलहाल भाई ये पता नहीं किसका फोन था, बादशाह के बंदों का था, किसका था, जो भी था बंदों ने मेरे को डिमांड बता दी है। सामने की तरफ ही हमारा प्यारा पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक पड़ने वाला है, फटाफट से निकलता हूँ भाई, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एक लॉकर का सामान ही तो निकलवाना है, चाहे वो किसी का ही हो, कितने ही उसमें जरूरी चीज़ों में फर्क नहीं पड़ता। मेरे को इस वक्त चाहिए मेरा प्यारा फूफा, वो भी सही सलामत घर पर। मानता हूँ एक टाइम पे वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन था और मैं उसको बहुत पीटा करता था, अपनी लड़ाई बजा करती थी, बट वो बात पुरानी है भाई, जब उससे कोई रिश्ता नहीं था अब उससे खून का रिश्ता है। सीधी सी बात है, वो सगा फूफा है ड्राइवर का, तो इसलिए देखो भाई उसको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बात ही खत्म है। और टीम के लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ, सब मतलब जितने भी क्राइम मैंने आज तक किए अपनी फैमिली के लिए और टीम के लिए ज़्यादा किए, अपने आप तो ट्रेवर इतना कुछ करता ही नहीं है। अंदर निकल के मैनेजर से सारी सारी बातें कर लेता हूँ। पहुंच चुका हूँ अपने प्यारे प्यारे पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक के अंदर की तरफ, मेरे प्यारे प्यारे मैनेजर ब्रो, ऊपर निकलता हूँ, इधर से गेट आराम से पहुंच जाऊंगा। काफी भीड़ आज तो असल दिन के टाइम को पता ज्यादा रश होता है भाई, जिसको बैंक का काम होता है दिन में कर लेता है पूरा पूरा, इसलिए आज ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। चलिए अंदर की तरफ ट्रेवर, जल्दी जल्दी जल्दी, मेरा प्यारा मैनेजर मेरी बात जरूर मानेगा, ये मना करने का दम ही नहीं इसमें। मैनेजर फटाफट से खड़ा हो, लॉकर नंबर 506 का सारे सारा सामान मेरे को चाहिए, तुरंत निकल एक सेकंड में। मैनेजर मुझे बोलता है ठीक है ड्राइवर सर, चलिए चलिए जल्दी से चलिए। मैंने बोला आ जा, तो ठीक है भाई चलिए लॉकर रूम में निकलते हैं। ये तो भाई अगर मतलब मैं इसको बोलूंगा ना कि पूरा बैंक मेरे को खाली करके दे, ये मेरे को पूरा बैंक खाली करके देगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ज्यादा खतरनाक मतलब मेरा आज तक कोई बंदा नहीं देगा, मतलब भाई ये ऐसा बंदा है ये कभी भी मेरी बात मना नहीं करता, कभी भी, चाहे मैं किसी मुसीबत में हूँ, चाहे मैं यहाँ का मतलब माफिया हूँ या ना हूँ, चाहे मैं वॉन्टेड बन के रखा हूँ ना, तब भी मेरी बात मानेगा। इसको पता है कि ट्रेवर एक ऐसी चीज़ है, ट्रेवर कभी कोई हरा नहीं सकता, कभी कभी मुसीबत आती है ट्रेवर के ऊपर, बट इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेवर कमज़ोर है, ये मेरे को बारे में मतलब जानता है। आ जा मैनेजर फटाफट से, तो ठीक है भाई चलिए मैनेजर आ जाएगा मेरा प्यारा लाडला भाई। और मेरे को 506 लॉकर नंबर के अंदर से देखते क्या क्या निकलेगा, कुछ पेपर्स है, पैसे तो नहीं होंगे, लॉकर के अंदर पैसे बंदे नहीं रखते,
कुछ जरूरी चीज ही लगते हैं, जैसे डायमंड्स हो गए, बाकी और चीज हो गई है। ओके मैनेजर आ चुका है भाई, चले निकलते हैं। हमने लॉकर नंबर 506 को खोल के भाई चेक कर लिया, सिर्फ इसमें दो पेपर्स थे और मैंने फोल्ड करके उसको भाई अपने पैंट में रख लिए, आराम से आ गए भाई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ओके ठीक है भाई मैनेजर, थैंक यू मेरे भाई मेरी बात मानने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तेरे बाद में भाज पाऊंगा, अभी तो अपने काम पर पहुंचा आराम से। सिर्फ कुछ पेपर्स थे इसमें, अब पता नहीं भाई किस चीज़ के पेपर, जल्दी से पढ़े भी नहीं है, बस इन पेपर्स के लिए सारा सारा ड्रामा है। तो जल्दी से निकल दो, पेपर्स दे दो बंदे को, 506 लॉकर नंबर में सिर्फ पेपर्स। मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ, गाड़ी में बैठ चुका हूँ, अब सीधा निकलना है मेरे को भाई एक जगह पर, जो मेरे को बंदे ने पहली जगह बता के रखी थी, फिर उसके अंदर जो भी सामान निकलेगा उसको हमारी जगह पर ले आके छोड़ देना। तो ठीक है भाई, जगह पर ले आके छोड़ूंगा, और फिर उसके बाद मैं एक चीज़ और करूँगा जो मेरे प्लान की थोड़ी अलग है। उन्होंने ये नहीं बोला था कि भाई वो करना है, मतलब कि जब वो सामान ले करने के लिए कोई यहाँ पे बंदा आएगा मैं उसको देखूंगा और बंदे को करूँगा फॉलो, क्योंकि भाई जो बंदा भी लेकर के जाएगा, जहाँ पर भी लेकर के जाएगा, इसका मतलब वहीं पर मिलने वाले हैं मेरे प्यारे गॉडफादर चाचा, चाचा बोल रहा हूँ अपने फूफा, चाचा तो ऐसे ही बोलता हूँ उसको प्यार से। तो चलिए जल्दी से निकलता हूँ गॉडफादर जी, आपको बचाने के लिए मेरे को कैसे कैसे काम करने पड़ रहे हैं। बादशाह बादशाह इतना डरपोक विलन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा भाई, मेरे को बेखैर एक तो लड़की का पता नहीं चल पाया, लगता है मरी गई होगी भाई अभी तक तो, बट मैंने आज तक बादशाह से ज़्यादा डरपोक विलन अपनी लाइफ में नहीं देखा। बंदा छुप छुप के वार कर रहा है, आज तक सामने नहीं आया भाई, एक बार तो सामने आ जाए फिर बताऊँ किसमें कितना एकदम, अब तक नहीं आया भाई, उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। उसको पता है ना, जिस दिन ट्रेलर के हाथों चढ़ गया उस दिन तो मरेगा मरेगा, उस दिन बचने का नाम ही नहीं ना। मैंने बॉक्स में भाई पेपर्स रख दिए जो मेरे को मिले थे, दो पेपर्स, यहाँ पे एक बॉक्स ऑलरेडी पहले से बंदों ने रखा हुआ था, कमाल है भाई, इसका मतलब उनको पता था अंदर सामान क्या है। तो मेरा काम पूरा हो चुका है, अब मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ जा करके नजर रखूंगा चुपचाप, देखते हैं कौन बंदा यहाँ पर आने वाला है। फिलहाल चलिए ट्रेवर यहाँ से जाने का ड्रामा कीजिए, ताकि कोई बंदा अगर तेरे ऊपर नजर रख रहे हो तो चेक कर ले कि ट्रेवर यहाँ से जा चुका है, फिर जब कोई बंदा आएगा इसको उठा के लेकर के जाएगा, फिर मैं उसको प्यार से फॉलो करूँगा। चलो 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 ट्रेवर ब्रो, एक काम करता हूँ भाई, मैं यहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर के निकलता हूँ, ऊंचाई की तरफ पहुँचता हूँ, और ऊंचे से आराम से मैं देख सकता हूँ बंदे को, क्योंकि भाई बंदे तो पूरी अरेंजमेंट के साथ आ गए रखे, उनको पता था ट्रेवर काम कर देगा, और उनको ये भी पता था कि सारा काम आराम से हो जाएगा और बॉक्स में सारा काम चल जाएगा। तो ठीक है भाई, यहाँ से मेरे को बॉक्स अभी भी दिख रहा है, बट बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है। मैं आपको बाइनोकुलर ऑन करके एक बार बॉक्स की जरा मतलब कि थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ। मेरी प्यारी ट्रेवर जरा सियाद मतलब कि सीधे की तरफ देखो, तो ठीक है भाई देखो, ये रहा अपना प्यारा वाइट बॉक्स, इसमें पेपर्स है, अब करते हैं इंतज़ार। यहाँ पर एक बंदा आया, बॉक्स को उठाया और लेकर के निकल पड़ा है, कैसे प्यार से सामने तरफ जाने में लग रहा है, मैं भी बड़े प्यार से इसको फॉलो कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं भाई आखिर बंदा कब तक भागेगा ड्राइवर से बच करके। वैसे इसको मारना नहीं है, मारना होता तो दूर से ही मार डालता, इसको तो सिर्फ फॉलो करना है, क्योंकि ये मेरे को मेरे प्यारे फूफा गॉड फादर तक पहुँचाएगा, और पता नहीं कहाँ पे होगा यार, क्या पता जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर होगा भी या नहीं होगा, देखते हैं जैसे भी होगा पता तो चल ही जाएगा। मुझे लगता है अब फिलहाल आपको पता है भाई कि जनरल तो मेरे कब्जे में है और मैंने मार दिया उसको दुनिया के लिए, तो आजकल ना लगता है बादशाह लोस वाले बंदों से काम ले रहा है, वही लोस का जो नया अपना प्यार लीडर बनाया ना, सामने देख रहे लोस वाले बंदे सारे सारे, वो गाड़ी लेकर के बंदा यहीं पर घुसा है, और बहुत सारे लोस वाले बंदे हैं यहाँ पर रोन की उसी फैक्ट्री पर। तो फिलहाल ये बंदे इसका मतलब लोस वाले नमूने और लोस वाले लीडर ने सारा काम करवाया है, जो भी कर रहे हैं करने दो बंदों को। देख तो भाई मतलब 56 में क्या था, 506 में मैंने मैनेजर को बोला है कि भाई जरा मेरे को इस लॉकर की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के देना थोड़ी देर में, कि किसके नाम का लॉकर था, क्या चीज़ इसमें हो सकती है, क्योंकि पेपर्स तो अजीब ही लग रहे थे, उसमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा था, वो तो बाद में लॉकर के नाम से ही हम ग्रुप पता कर लेंगे। देखो फिलहाल भाई मैं अभी यहाँ पर अटैक नहीं करना चाहता, मुझे लगता नहीं यहाँ पर मेरा प्यारा चाचा और मतलब अपने गॉड फादर होने वाले हैं, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने देख लिया लॉस वाले बंदे यहाँ पर खुले में ऐसे ही खड़े हुए हैं, अगर यहाँ पर ही इतने आराम से गॉड फादर को रखा गया होता तो ऐसा तो नहीं करेगा, क्योंकि इनको पता है यहाँ पर तो आके मैं ऐसे डंडा बजा सकता हूँ, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, अगर है भी तो एक बार मैं लेस्टर से कंफर्म कर लेता हूँ। लेस्टर ब्रो फटाफट से जरा मेरी बात सुन, चेक कर यहाँ पर जो रोन की फैक्ट्री का आसपास कैमरा है, जरा चेक कर गॉड फादर यहीं पर है कहीं और पर है, देख भाई जल्दी से। और मेरे प्यारे बेटे इस वक्त मैं जल्दी से आजा, बड़ा परेशान हूँ, मेरे होश में नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं बाहर निकल के आ गया ड्राइवर, बाकी बातें बाद में बताऊंगा, आजा बेटे मेरे पास आजा। गॉड फादर का फोन आया भाई खुद ही, मैंने लेस्टर से पहले बात बोली, वो अपना काम कर रहा होगा, जैसे मैंने लेस्टर से बात करने का फोन रखा गॉड फादर का फोन आया, पता नहीं भाई कैसे छूट गया, जो भी है मेरे को पक्का मतलब वो तो बाद में गॉड फादर ही मेरे को सारी बातें बताने वाले हैं। चल 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 ट्रेयर फटाफट से निकल जल्दी से, लोकेशन इस वक्त भाई आराम से, अरे मेरी प्यारी गाड़ी फिसल मत, मेरी एयरपोर्ट का जो अपना ट्रेयर का टेस्ट एयरपोर्ट है ना उसके पीछे की लोकेशन आकर के रखी है। मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, मेरे को गॉड फादर फूफा मिल गए, अमेजिंग अमेजिंग ट्रेवर, आराम से आराम से आराम से। ओके मैंने गाड़ी को रोक दिया है, हेलो जी फूफा जी ठीक हो गया, अरे गॉड फादर चाचा सही हो, कोई टेंशन तो नहीं है। फिलहाल फूफा मैं इसको नहीं बोलूंगा इसके सामने, क्योंकि फिलहाल भाई मैंने गॉड फादर को नहीं बता के रखा कि मेरा फूफा है, इसको तो आराम से मैं ऐसे जो कुछ बुला सकता हूँ बुला लूंगा, सामने कुछ नहीं बुलाऊंगा, आप टेंशन मत लो, उठाता हूँ मैं, उठाता हूँ फटाफट से ट्रेवर उठा जल्दी से। मैंने भाई इनको उठा लिया है, इनको फटाफट से हॉस्पिटल लेकर के निकलता हूँ, डिग्गी में डालता हूँ इनको आराम से,
और देखते क्या इनको प्रॉब्लम होकर करके। आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ड्राइवर आ गया है ना, बात ही खत्म है। मैंने गॉडफादर जी को आराम से डिक्की में डाल लिया है। चलिए फटाफट से मैंने डॉक्टर को फोन भी कर दिया है कि मैं अपने प्यारे प्यारे भाई जी को लेकर के पहुंच रहा हूं। इससे पहले डॉक्टर कुछ उल्टा सीधा काम हो, रेडी रहना, बस मैं पहुंच रहा हूं तुम्हारे पास एकदम से। चलिए भाई, जब गॉडफादर भाई जी हमारे होश में आएंगे उसके बाद ही सब कुछ मैं आगे कह सकता हूँ कि आखिर कैसे बचे, मतलब जिस बंदे ने किडनैप किया था उन्होंने छोड़ दिया या फिर ये खुद भाग करके आ गए। बट मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, गॉडफादर बड़ा खतरनाक बंदा है। 1990 के सबसे खतरनाक बंदा यही था। 1990 में इससे ज़्यादा खतरनाक बदमाश कोई नहीं था लॉस सैंटोस में, नहीं मतलब बाहर भी भाई। ये उस टाइम अपने ज़माने का बदमाश था। सीधी बात है भाई, वक्त बदलता है, ज़माना बदलता है और टाइम टाइम के हिसाब से बदमाशी बदलती रहती है। तो भी मतलब आज से 30 साल पहले बहुत बड़ा बदमाश था, 32 साल हो गए वैसे। हेलो नमूने 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 लोस्ट वाले, कैसे जा रहे हो, आया मज़ा? तो मतलब बाद में देखूंगा। चलिए खैर, पहुँचते भाई पहुँचते, बाद में देख लेंगे इन सभी बंदों को। फिलहाल एक बार इनकी हालत ठीक हो जाए उसके बाद तो बंदों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। डॉक्टर से भाई सारी बातें हो गई है, चेक कर लिया गॉडफादर जी को, इनको ज़्यादा ओवरडोज दे के रखे ड्रग्स की, जिसकी वजह से ठीक से बात नहीं कर पा रहे और अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे। बट डॉक्टर ने सारी सारी मेडिसिन दे दी है भाई, जिससे ड्रग्स का असर कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएंगे थोड़ी देर में। तो बंदों ने गॉडफादर को बेहोश करने के लिए, किडनैप करने के लिए ड्रग्स का यूज़ किया ताकि ये थोड़ा परेशान रहे। भाई आपको पता है ड्रग्स को ओवरडोज की जाए ना, अच्छे खासा हाथी जैसा बंदा ही पागल हो सकता है और उसका दिमाग खराब हो सकता है। ड्रग्स बड़ी बुरी चीज़ होती है। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ भाई, अभी कुछ बात करने लायक नहीं है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए डॉक्टर, यहाँ पर अगर कुछ परेशानी है मेरे को फोन कर देना। यहाँ से निकलता हूँ और लेस्टर से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ कि लेस्टर तेरे कुछ पता चला कि आखिर वहाँ पे कैसे पहुंचे? जब तक कि बात करने लायक होंगे तब तक मैं खुद भी पता लगाता हूँ सारी सारी चीज़ें। चलो उतरे और फटाफट से निकलो, फटाफट से निकलो। लेस्टर छुआरे का फोन आ गया भाई, बड़े जल्दी से सारे काम कर रहा है। फिलहाल ना भाई, लेस्टर की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से गॉडफादर भाग कर आया वहाँ से, इसको थोड़ा होश आ गया था, इतनी ड्रग्स की हालत में गॉडफादर वहाँ से भाग कर आ गया। भाई बंदे ढूंढ रहे होंगे इसको बड़ी बुरी तरीके से। फिलहाल ना एक और खबर मिली लेस्टर को, वो ये कि अपना प्यारा किडनैपर मिल चुका है। अब वो किडनैपर बादशाह के लिए काम करता है या लॉस्ट के लिए, फिर किसके लिए वो पक्का नहीं पता, बट किडनैपर इस वक्त ग्रेवयार्ड में है। मैं पहुंच चुका हूँ भाई जल्दी से जगह पर, मेरे प्यारे प्यारे भाई जी, कर ले प्रे कर ले, तेरा तो नेता ऐसा बनाऊंगा। तो ये है नमूना, नहीं नहीं ट्रेलर भाई, गन्ने निकाल ली, डंडा निकाल ब्रो, इसका नेता तो आराम से तसल्ली से बनाऊंगा। देखते हैं भाई, यही मेन विलन है या इसके आगे पीछे कोई और है? क्या खींच के डंडा वाला ट्रेलर ने जमा करके, देख रहे हो मजेदार मजेदार। ये ले बेटे, तेरे को फुटबॉल की तरह ना पीटा मैंने गैरेज में ले जाकर के, तो मेरा नाम भी ट्रेवर नहीं है। तो चलिए फिलहाल भाई, काफी ज्यादा बंदे की पिटाई मैंने बड़े ही आराम से तसल्ली से फर्स्ट क्लास तरीके से कर दी है। मैं बंदे को भाई बहुत देर से पिटाई कर रहा हूँ, मतलब गैरेज में मैंने इसको लेकर के आ चुका हूँ, अपने बंदों को बोला कि गैरेज में लेकर के चलो, बहुत देर से पीट रहा हूँ भाई, बंदा कुछ नहीं बता रहा। अब तो मेरे को लगता है बादशाह ने सारे सारा काम कर रखा है, क्योंकि भाई जितने भी जिद्दी बंदे होते हैं ना बादशाह के लिए काम करते हैं, मतलब मर जाते हैं बट उसके बारे में कुछ बोलते नहीं है। मेरे भाई बता दे क्यों अपनी मुसीबतें बढ़ा रहा है, बता तुझे किसने भेजा था, क्यों तूने गॉडफादर किडनैप करा, और उन पेपर से क्या मतलब था भाई, जो 506 लोकर नंबर में पेपर तुम लोगों ने निकाले हैं। देख यार चुपचाप बता दे, फिर मैं क्यों पिटे जा रहा है, मेरे को मजा नहीं आ रहा तेरे को बिल्कुल भी पीटने में। देख बता दे, नहीं तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा तेरे साथ में। डॉक्टर का मेरे पास फोन आया भाई, गॉडफादर का फोन आया, मुझसे मिलना चाहते हैं, मतलब कि गॉडफादर से बात करवाइए डॉक्टर ने। वो गॉडफादर मेरे को बोल रहा है ट्रेवर प्लीज मेरे भाई जल्दी से आ जाए, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, मेरे को सारी बातें बता क्या हुआ। चलिए फिलहाल मेरे को उससे मिलना था भाई, पता करता हूँ सारी चीज़ें, हर एक चीज़ कहाँ पे वो बंद के रखा था, कुछ याद है नहीं है, ये तो कुछ बोल नहीं रहा गैरेज में, ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। सीधा डॉक्टर के पास निकलते जल्दी से। पहुंच चुका हॉस्पिटल, गॉडफादर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हेलो गॉडफादर जी, यार तेरा एक तो नाम इतना खतरनाक है, ऊपर से तुम सची में अमेजिंग हो। अच्छा गॉडफादर ब्रो, प्लीज जरा मेरे को सारी बातें बताओ, कौन आया था घर में, कुछ याद है किसने अटैक किया था? आपको पता है मिसेस विल्सन बहुत डर गई है, तुम बचे कैसे, मेरे को हर एक सिंगल डिटेल चाहिए। गॉडफादर से बातें हो गई, गॉडफादर मेरे को बोला ट्रेवर यार हर एक बंदे के मुंह पे मास्क था जिस बंदे ने सारा काम किया, मैं किसी को देख नहीं पाया। ट्रेवर अगर मैं देख लेता ना ब्रो, तो तेरे को पता ही है तेरा प्यारा प्यारा भाई गॉडफादर किसी से कम नहीं है, मेरे को पता ही है भाई तो कम किसी से है नहीं। 1990 का सबसे बड़ा विलन है ये, अपनी पे आ गया तो किसी को नहीं छोड़ेगा, इसका स्टाइल ही अलग है भाई। ये बंदों को मारता कम था, उनके घर पहले चलाता था, ये इसका स्टाइल था पहले से ही। गॉडफादर ब्रो एक बंदा तो मेरे को मिल गया, फिलहाल देखो उस बंदे की जाके पहचान कर लो, अगर वो बंदा याद है तुम्हें। फिलहाल एक बंदा मैंने गैरेज में पढ़ के रखा हुआ है, उसको पहचान जाओ, देखो वो घर पे आया था, क्योंकि मेरे को पता नहीं लग पा रहा है बंदे कौन थे। मेन टेंशन मतलब मैं जड़ तक पहुंच जाऊंगा, अगर आप कुछ पूछताछ उससे कर सकते हो तो पूछताछ कर लो, बाकी मैं कुछ कर रहा हूँ ठीक है, टेंशन मत लेना, सब कुछ संभाल लिया मैंने। और बात मिसेस विल्सन की फिक्र मत करना, वहाँ पे मेरे गार्ड से प्राइवेट गार्ड से वहीं पर उसका मतलब कि उनका ख्याल रख रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे प्राइवेट गार्ड जो मैं अपनी गाड़ी में लेकर घूमता भाई, मैंने उनको वहीं पर लगा के रखा है, क्योंकि भाई देखो अभी फिलहाल मेरे से ज़्यादा उनको जरूरत है सिक्योरिटी की। फिलहाल जनरल के पास जाने का वक्त हो चुका है, गाड़ी मैंने ले लिया, हॉस्पिटल से बाहर आ चुका हूँ, जनरल के पास निकलना है भाई अभी मेरे को, पता क्यों? लेस्टर बोल रहा है ट्रेवर फटाफट से जनरल के पास पहुंचा, अब अपना प्लान यूज करते हैं, उसको किडनैप करके वहाँ पे सेवा पानी देने का हमारा कुछ काम नहीं था, दो दिन हो चुके उसको बंदे बंदे। फिलहाल चलिए उसको होश ठिकाने आ गए होंगे, भूखा प्यासा मर जाएगा नहीं तो।
मेन पॉइंट क्या है उसको हमेशा के लिए रखना कोई काम नहीं था, अब उससे पता करता हूँ, उससे डील करूँगा जा करके कि मेरे प्यारे भाई मेरे साथ मिल जा, मेरे को फिर पैसों का राज जानना तेरे पास जो पैसे हैं, उसके बाद मैं तेरे को छोड़ दूंगा, झूठ बोलूंगा, देखते बंदा वादों में आएगा नहीं आएगा, बट उसके पास जा करके बातें करनी पड़ेगी। रही बात भाई ये किडनैपर जो थे उनके भी पता लग जाएगा, बट उसके पास जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं उसको ज़्यादा देर तक वहाँ बांध के नहीं रख सकता, मेरे को अब जल्दी से अपना काम निकालना पड़ेगा और उसका तैयारी करना पड़ेगा। पहुंच चुका हूँ भाई मैं सेम जगह पर अपने उसी प्राइवेट टनल में, यहीं से होकर के मैं उसी जगह पर जाने वाला हूँ और प्यारा प्यारा जनरल यहीं पर मिलेगा। तो देखते हैं जनरल की अकल ठिकाने आई है नहीं आई है। सुबह से बंद के रखा है यहाँ पे, दो दिन से भूखा प्यासा, मैंने बोला था कुछ मत देना नमूने को, अकल ठीक हो जाएगी, अकल ठीक हो गई होगी। बहुत लंबा टाइम होता है भाई इतनी देर तक बंद के रहना, बंदे का नेता सा बन जाता है। पहुंच चुका हूँ मैं प्यारे से अपनी उसी जगह पर जहाँ पे मैंने गॉडफादर को बंद करके रखा हुआ है। फिलहाल देखो भाई यहाँ पे रोशनी बहुत ही कम है, इसलिए चलिए अपनी लाइट यहाँ पर जला लेते हैं। हेलो प्यारे प्यारे लॉस्ट सैंडर्स के चैनल, आपको खुशखबरी दूं, बताए आपको आपकी मौत हो गई है लॉस्ट सैंडर्स के हिसाब से, आप मर गए जनरल जी, आपका फ्यूनरल हो गया, आपके आपके मतलब घर वालों ने, बाकी और दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, सबने आंसू बहा लिए। अब बाहर जाके करोगे क्या फूफा जी? अरे रे 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 रे, बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। बहुत बोलते रहो, मेरे को बड़ी खुशी मिल रही है। देखो हमेशा के लिए यहीं पे सड़के मरना चाहते हो भूखे प्यासे, तो मर्जी है तुम्हारी। एक ऑफर लेकर के आया हूँ, बताओ जल्दी से, मानोगे तो तुम्हारा फायदा, ना मानोगे तब भी तुम्हारा ही फायदा, जान छूटेगी मर जाओगे। ड्राइवर मेरे को वक्त दो, मैं सोचता हूँ इस चीज के बारे में, क्योंकि तुम मुझे धोखा देने के लिए कह रहे हो। हजारों मिलियन का सवाल है ड्राइवर, एकदम से मैं सारा काम नहीं कर सकता, बट उसके लिए मेरी एक छोटी सी शर्त है, मेरे को ड्राइवर जिंदा होना है। मुझे नहीं पता कैसे, बट तुम सिचुएशन बनाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे वापस से अपनी लाइफ चाहिए ड्राइवर। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, किसी का और साथ का नहीं दूंगा, बट मेरे को जिंदा कराओ लॉस सैंडर्स से दोबारा से, और उसी वक्त में फिर तुम्हें सारे पैसे दिलवा दूंगा जहां पर भी रखे हुए हैं, बट मैं ऐसे नहीं मरना चाहता ड्राइवर, प्लीज। मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ मैं काम कर लूंगा, मैं बादशाह को छोड़ दूंगा, सबको छोड़ दूंगा, बट मुझे जिंदा करो, मुझे जिंदा होना है ड्राइवर। तुम बहुत प्लानर बंदे हो, तुम कुछ भी प्लान बना के मेरे को दोबारा जिंदा कर सकते हो, तुम्हारे बहुत आइडियाज होते हैं, बट प्लीज यार मुझे जिंदा करवाओ प्लीज। ये तो अलग लेवल का बंदा है, बोल रहा है कि कुछ ऐसी प्लानिंग बना और सबको ये बोल के मरा नहीं था, जिंदा था, वो एक ड्रामा था या फिर कुछ भी था, बट प्लान बना के मेरे को वापस लेकर के जा, उसके बाद ही मैं तेरे को सारी चीज दूंगा। जनरल बड़ा स्मार्ट बन रहा है ब्रो, सोचता हूँ तेरे बारे में। फिलहाल यार इसको झूठ मूठ में हाँ बोल दूँ क्या? बट यार यार ये बंदे को मार नहीं सकता, और जिंदा करने से तो फायदा नहीं है, नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि जिंदा करूंगा तो फिर से उल्टे काम करेगा। बट यार इसने प्रॉमिस किया है, वैसे चांस दे के देखे। आपको याद है जो पहले जनरल था वो भी तो खतरनाक था, उसने भी तो ऐसी मुझसे दोस्ती करी, और देखो आज पक्का दोस्त बन गया, तो क्या बताइए पक्का दोस्त बन जाए। बट भाई सोचूंगा इसके बारे में, क्योंकि अगर 1% मैंने इसको यहाँ से छोड़ा, इसको दोबारा जिंदा किया नजरों में दुनिया के सामने, तो ये फिर से जनरल बन जाएगा, और क्या बता फिर से दुश्मनों के साथ मिल जाए तो नुकसान हो सकता है। बट अगर ये मेरे साथ रहा तो फिर फायदा हो सकता है, क्योंकि फिर मेरे पास दो दो जनरल हो जाएंगे और जो मैं बोलूंगा वो ये करेंगे। गॉड फादर के मेरे पास फोन आया भाई शहर में वापस आते ही, गॉड फादर मेरे को बोलता है ड्राइवर मेरे प्यारे भाई फटाफट से आ जा। मैंने बोला आ रहा हूँ, बट ये गाड़ी मेरे को जाने नहीं देगी। अरे प्यारी गाड़ी इतना क्यों पी लेती हो पेट्रोल कि तुम्हारा ध्यान ही खराब हो जाता है, ज़्यादा पेट्रोल भी गाड़ी में नहीं डालना चाहिए, गाड़ी को नशा हो जाता है, देख लिया मैंने। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसको निकाल के लेकर खेलता हूँ। गॉड फादर लगता है भाई गैरेज में पहुंच चुका है, आपको बताया मैंने सामने बंदा पकड़ के रखा है ना, लगता है उसने कुछ पता कर लिया। पहुंच चुका हूँ भाई मैं प्यारे से गैरेज में, यहाँ पर तो गॉड फादर है ही नहीं भाई, झूठ बोल रहा था। हेलो मेरे प्यारे प्यारे चाचा जी, यार ये बंदा मर गया ना शायद से, मुझे ऐसा लगता है। अरे यार कोई आया था गॉड फादर नमूने, तू तो बोला था कि मतलब अपना गैरेज में ही है, उसने बोला था, इसका तो नेता बना दिया बहुत बुरी तरीके से। गॉड फादर का फोन लगा दो कि आपने मेरे को फोन करा था कि मैं गैरेज में आ जाऊं, और यहाँ पर थे बंदा मरा पड़ा हुआ है, यहाँ से कहाँ पे निकल गए मेरे को समझ नहीं आ रहा, सारी बात बताओ। मैंने गॉड फादर से बात कर ली है भाई, मैंने बोला था ना गॉड फादर जब बदला लेने पाता तो बहुत बुरी बुरी तरीके से बंदों को मारता है, फिलहाल पहले इसको यहाँ पे मारा। उसने इससे पूछताछ करी, बता दे कौन है बंदे, इसने नहीं बताया। गॉड फादर का दिमाग घूम गया, आपको पता है पुराने जमाने का बंदा ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता, सीधा इसमें अंदर इतनी सारी गोली डाली और यहाँ से निकल गया। अब पता कहाँ पहुंचे इसे घर पे, मैंने आपको बोला था ना गॉड फादर 1990 का बदमाश है, इसका स्टाइल क्या था, बंदों कम मारता था बंदों घर को पहले चलाता था, इससे घर पहुँच गया घर को चलाने के लिए, कमाल है भाई, घर जला के बदला लेगा इससे। गॉड फादर ब्रो सुधर जाओ यार, कमाल करते हो, कतई घर जलाने पहुँच गया, मैं तो मजाक सोचता था उस बात को, बात सच्ची इसका मतलब कमाल। चलिए घर पर निकलता हूँ, मैं जगह पर पहुँच गया हूँ। गॉड फादर चाचा देव कैसे ऊपर दीवार पर खड़े हुए हैं, अरे गॉड फादर भैया जी कैसे, क्या हाल चाल है, जला दिया भाई बंदे घर पूरा, आग आग होने में लग रहा है, थोड़ी देर में दी एंड हो जाएगा, मतलब ये सच्ची में बड़ा साइको टाइप का भाई। देखो एक बार को हम भी माफ़ कर देते, इतना खतरनाक बदला तो हम भी नहीं लेते, बट फिलहाल गॉड फादर के ईगो को हर्ट किया इसने कि बेटा मुझसे पंगा, घर पर आकर गार्ड्स को मारता है, वाइफ के ऊपर अटैक करता है, बेइज्जती। गॉड फादर मतलब भाई ईगो वाला बंदा है। अब देखो आपस में हमारे तो भाई थोड़ी बात सही हो गई है, इसको पता है ट्रेवर से लड़ने कोई फायदा नहीं है, ट्रेवर इसका भी बड़ा नेता बनाता है, हमारी आपस में कितनी बस्ती थी
बट फाइनली अब तो सोल्व हो गए हैं। नहीं तो भाई गॉडफादर बड़ी टेढ़ी खीर था, आपको याद ही होगा, बहुत पुराना विलन है, आज का नहीं है, शायद से 2020 से गॉडफादर को मैं पीटता आ रहा हूँ और देखो कितना पुराना है, आज तक घीटे इतना बंदा आज तक नहीं मरा मुझसे। तो पॉइंट कहने की बात यह है, ये बहुत सीनियर वाला गुंडा है, तो इसलिए इससे पंगा लेके तो ठीक नहीं गया बंदों ने। तो ठीक है गॉडफादर चाचा, मैं निकलता हूँ यार, आप लोग मजे लो। पॉइंट ये है भाई, अब देखना पड़ेगा जंग कहाँ पे जाकर रुकने वाली है, क्योंकि बादशाह भी नहीं मानेगा, मुझे लगता है ये बादशाह का बंदा जिसको हमने मारा है, सीधी सी बात है किडनैप करेगा तो मरेगा ही। बट पॉइंट क्या है भाई, अभी चेक करते हैं कि आखिर कौन कौन बंदे लड़ने वाले हैं, और ये जनरल के बारे में सोचना पड़ेगा, उसको छोड़ के जिंदा करवाओ दोबारा, यार अगर जिंदा ही करना था तो उसको मारा क्यों, कमाल ही हो गया यार। बट पैसों के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि उस बंदे के पास ऐसा राज है, बादशाह के सारे पैसे वो संभालता है, उसके पास इतना सारा पैसों का राज है भाई, मतलब मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे मेरे को 20,000 मिलियन वापस मिले ना मिले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरल मेरे को इतने पैसे दिलवाएगा, मेरे को कोई मतलब जरूरत ही नहीं भाई चीज़ की। फिर चलिए खैर कुछ ना कुछ तो तरीका निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा कि आखिर करें क्या। तो बस फिर भाई फिलहाल इस वीडियो में सब इतना ही, आप लोगों को तो ये वीडियो कैसी लगी, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।